आए हुए सारे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवादी हैं। निशाने सारे छोटे से धंधे थे, बड़ा बड़ा हंगारा देता उसी प्ले देखा। ये साड़ी 21 दिन की वर्कशॉप सी, इन्ने थोड़े टाइम के असं ये नहीं कह सकते कि सारे एक्टर बन गए हैं, पर असी पद्मनी कोल्हापुर स्कूल ऑफ एक्टिंग वालों वध तो वध कोशिश की है कि बच्चों जो मैक्सीम असं इन्ने दिन दे सकते हैं देता है। बाकी तुसी ज्यादा जानते हो, मेरी सब बेनती है कि जे तुसी प्ले दे विच जे तुहानू कोई कमी बेशी भी नज़र आई हो समझ के नज़रअंदाज कर देना कि हजे सिख्याती ने, हजे रीसेंटली बिल्कुल फ्रेश सी जिन्हां नूं असीं इन्ना कुछ सिखाया। तो इस तरह बच्चों का भी प्ले हो रहा, बच्चे भी अपनी परफॉर्मेंस ऑडियंस सामने रखेंगे, तो उस तरह ही तुसी उन्हां नूं भी हौसला देना, आशीर्वाद देना, ता कि वह अपनी इस लाइन के अगे बढ़ सकन। साढ़े पद्मनी कोल्हापुरी स्कूल ऑफ एक्टिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर मिसिज रीचा वाही भी मौजूद ने, हमने थोड़ी देर वो भी मंच से आएंगे तो अपने स्कूल बारे दसेंगे। साड़ी ये वर्कशॉप का सिलसिला इस तरह ही चलना रहेगा जिमें कि हम 5 साल तो लैके 14 साल के बच्चों तक की एक वर्कशॉप जी अच खत्म हुई है, एक 14 साल तो उपर के बच्चों की वर्कशॉप जो अच खत्म हुई है। इस तरह ही ये वर्कशॉप्स अगों भी चलिया रहनिया, छेती ही तुम नैक्सट वर्कशॉप बारे दसेंगे जी असं ला रहे हैं, मैडम रीचा भाई भी दसेंगे। तो नाल ही मैं सबनों फिर बेनती करता कि थोड़ा समा रुक के जो असं सैकेंड प्ले दे रहे हैं उन्होंने भी पूरी तरह देख के जाना। धन्यवाद। काइंडली उस हिसाब नाल अपना सिटिंग अरेंजमेंट तुसीं कर सकते हो। लो जी बच्चे हुण अपनी जोरदार कला दा मुजाहरा तुहाडे सामने करनगे मिस्टर निखिल राज, जिहड़े पद्मनी कोल्हापुरी स्कूल ऑफ एक्टिंग तों स्पैशली इत्थे साडे कोल आए हुए ट्रेनिंग देण वास्ते। 21 दिनां दी इस ट्रेनिंग तों बाद इह छोटे छोटे बच्चिआं ने जिहड़ा प्ले तैयार कीता उहदा नां है हनुमान की रेल यात्रा। उम्मीद करते हैं कि इस तरह ही तुम सू सहयोग दोगे तो बच्चों की इस कलाकारी को बड़े खूबसूरत अंदाज देखोगे। हनुमान की रेल यात्रा। मिस्टर निखिल जिहड़े डायरेक्टर ने इस प्ले दे, उन्होंने स्पैशली ये गल थानू दसण वास्ते मैनू कहा कि एक बिल्कुल व्यंगात्मक प्ले है, इहदा किसे नाल भी कोई संबंध नहीं है, इहनां दे नाम पात्र सारे काल्पनिक ने क्योंकि एक हास्य नाटक है, इसनू सिर्फ हसण तक ही सीमित रखना है। पेश कर रहे हैं हनुमान की रेल यात्रा। नमस्कार, सत श्री अकाल। तुम सब लोग यहाँ ज्यादा नहीं आए हो?
इस जमाने के सभी पांच काल्पनिक हैं, जिनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से स्थान अथवा घटना से कोई संबंध नहीं है। ये कहानी समर्पित है उन लेखकों, उन टीवी और फिल्म प्रोड्यूसरों तथा हमारे समाज को जिन्होंने हमें ये नाटक सिखाने के लिए प्रेरित किया और हमें मजबूर भी किया। तो लीजिए अब शुरू करते हैं कहानी, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक ऐसा नहीं, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जाइए मत, अभी आएंगे। चुपचाप बैठ के प्ले देखो। आपके लाड प्यार
जाओगे फिर ताजमहल देखने जाओगे फिर गोलगप्पे खा के आओगे। आ जाओ मेरे रामचंद्र के पिता ने भी मंत्री से बात करके रामचंद्र को झुमरी तलिया भेजने की तैयार कर दिया। इधर रामचंद्र अपने कॉलेज की फेयरवेल पार्टी में जाता है, वहाँ उनकी नजर उस कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की सीता पर लग जाती है। और यहाँ भी वही होता जो हीरो हीरोइन को देख कर करता है। क्या कर रही है, तुम मेरे से जाकर पैसे ले आई।
क्यों निकाले? उदास क्यों हो गए? सीता बहुत अच्छे स्वभाव की है। हमें मालकिन सीता से कोई डर नहीं, हम दूसरी बात से चिंतित हैं। बात यह है कि हम मालकिन सीता को दिल्ली से यहाँ नहीं ला पाएंगे, क्योंकि रेलगाड़ियों में इतनी भीड़ होती है कि हम उछलकर मर जाएंगे। आप तो जानते हैं कि दिल्ली में लोग रेलगाड़ी में चढ़कर झुमरी तलैया आते हैं, और जब झुमरी तलैया पहुँचते हैं उनकी लाश होती है। कितना ठीक है, गाड़ियों में सबसे भीड़ होती है, और क्यों ना हो, जिससे डिब्बे भरते हैं उससे कई गुना बैठे वाले पैदा होते हैं। जो आदमी 5 से ऊपर बच्चे वाला करेगा वो है, अरे जो आदमी 5 से ऊपर बच्चे वाला करेगा वो रेलगाड़ी का एक डिब्बा बना कर देगा। तुम ऐसा कोई भी नहीं जानता मेरी पत्नी। दिल्ली तो बहुत दूर है, इनमें से कईयों की दीदियाँ 3-4 स्टेशन आगे पड़ी हैं। ये उन्हें नहीं ला सकते तो सीता मालकिन को कहाँ से लाएंगे? हाँ याद आया, हमें से एक ही ऐसा भी है, हनुमान सरदार, जो कि मालकिन सीता को दिल्ली से यहाँ ला सकता है। आगे आओ हनुमान सरदार। क्या हुआ हनुमान सरदार, तुम चुप क्यों हो? तुम तो बहुत बलशाली हो, तुमने तो बहुत बड़े बड़े पराक्रम किए हैं। ओ चाड़े यार, मैं इतना कमजोर आदमी, मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ? आप घबराइए नहीं, हम अभी इसकी ताकत याद दिलाते हैं, आप जरा बाहर होके आइए। अरे याद करो हनुमान प्रसाद, तुमने नए बॉक्स ऑफिस के फिल्म के फर्स्ट शो के टिकट खरीद कर तिगुने दाम में बेची थी। अच्छा? अरे याद करो हनुमान प्रसाद, तुमने इलेक्शन में कितने बोगस वोट डाले थे। अच्छा? अरे याद करो हनुमान प्रसाद, तुमने इतनी बड़ी बिल्डिंग पर चालान लगा दी थी। अच्छा? अरे सांड के जंग में इतने जख्मी होने के बाद भी आपने सांड का पैर नहीं छोड़ा था। अच्छा? याद करो हनुमान प्रसाद, तुमने एक लड़की का नेकलेस चुराया था। याद करो हनुमान प्रसाद, तुमने शरीफ आदमी को भी मारा था। जो याद आ रहा है सब कुछ, बस सोनो सांप्रिय देखने दो, नहीं तो सब कुछ बता दिया ना।
यकीन हो जाएगा, आप देखिए। देखिए, एक बच्चा ने 21 दिनों की अपनी ट्रेनिंग दौरान
उन्होंने पत्नी कोलापुर स्कूल ऑफ एक्टिंग वालों लाई गई वर्कशॉप दौरान प्राप्त की थी। प्रोफेसर विकल राज के निर्देशन हेठ इन्होंने ये सारी ट्रेनिंग इन्होंने बच्चों को दी थी। प्रोफेसर निखिल जोरदार तालियां निखिल जी के नाम से। चंद अल्फाज मिसिज रिचा वाही जेडे एम डी ने पद्मनी कोलापुर स्कूल ऑफ एक्टिंग दे दिए। रिचा वाही सच तो यह है कि मेरे कोई शब्द ही नहीं है। अमृतसर के बच्चों को इतना टैलेंट होगा मैं कभी सोचा भी नहीं थी। सच पूछो जो बच्चे स्टेज से परफॉर्म कर रहे थे मेरे अखाँ च पूरी तरह आंसू से कि बच्चे ने किस तरह लड़की उन्हें एक्ट करते करते और रोई है। इट्स टू गुड। असी सिर्फ महज एक इतने 3 वीक्स की वर्कशॉप लगाई थी कि पहले भी छोटे बच्चों की लगाई है बड़े बच्चों की पहली बार लगाई। जस्ट ए साडा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस सीगा बट अमृतसर के बच्चे मेरी एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज़्यादा निकले। मैं इन्होंने एक गल हमेशा सिखाई थी टीचर एक कुआ है तुम्हारी मर्जी है तुम उस कितना पानी कढ़ते हो और अमृतसर के बच्चे ने भरपूर पानी कढ़िया है। आई एम वेरी हैप्पी नो वर्ड। मेरी ईश्वर तो प्रार्थना है कि इन्होंने बच्चों इस तरह का रस्ता मिले। असी लोग सब मिलके टीचर्स पेरेंट्स इन्होंने मार्गदर्शन करिए ताकि इन्होंने अपना जो इन्होंने दिल है जो चाहत है एक्टर से यह बन चुके हैं मेरे हिसाब से एक्टर बन चुके हैं। बाकी रस्ता इन्होंने सामने सीढ़ी दे दी असी चढ़ना इन्होंने खुद हैगा। मेरी सारी शुभकामना नाल है इसके अलावा इन्होंने टैलेंट देख के इन्होंने मन इतना मोटिवेट किया है कि मैं सोचती हाँ कि भट्टी साहब दलजीत जी थोड़े सब के सहयोग न असी इतने बार बार आके वर्कशॉप लगावे और अगर ए बारे कोई भी इनफॉरमेशन लेनी हो तो मिस्टर भट्टी दलजीत जी रमन जी इन्होंने सब तो इनफॉरमेशन ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। हम रिक्वेस्ट करा सारे कलाकार एक एक करके स्टेज पर अगे जाएंगे अपना नाम बोल के वापस आ जाएंगे अपने इंट्रोडक्शन खुद देंगे। चलो बेटे लाउडली तरनवीर सिंह है और मैं यहीं का रहने वाला हूं अमृतसर का। मैंने इस वर्कशॉप में बहुत कुछ सीखा है और आगे इतनी मेहनत करूंगा कि निखिल राज जी गुरु है मेरे इन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है और इनकी मेहनत को मैं ऐसा रंग लाऊंगा अगर मेरी किस्मत ने साथ दिया और आप बड़ों ने मेरे को आशीर्वाद दिया तो मैं इनका नाम जरूर करूँगा। लेकिन एक बात मेरे को बहुत दुख है इस बात का कि मैं अपने सर से बिछड़ रहा हूँ शायद कभी मिलूँ या ना मिलूँ ये मेरे को मालूम नहीं लेकिन मैं एक ऐसा काम करूंगा एक मंजिल बनाऊंगा लेकिन इनके पास पहुंचने तक के मैं पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी मैं आप लोगों को गुड आप सब लोग कहना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग अपने इस शो के लिए आप लोग कीमती समय अपना निकाला है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम जितेंद्र सिंह हम कैलाबा यूपी से रहने वाले हैं और इसके लिए हम लोग कुछ भी नहीं जानते बिल्कुल खाली थे। निखिल सर हम लोग को बहुत कुछ बना दिया कला के मामले में कला नहीं जानते क्या क्या होता है निखिल सर हमको ये सिखा दिया कला क्या होता है। ये निखिल सर का धन्यवाद और निखिल सर के नाम पे ये बात तालियां और
आगे बैठे सर। नमस्कार, मेरा नाम अमित कपूर है, बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ और इधर हम अपने IAS के रिजल्ट की वेट कर रहा हूँ। छुट्टियाँ बड़ी थी इसलिए कॉल ज्वाइन किया, बड़ा मजा आया। निखिल सर का सहयोग रहा और साथ में पंपनी कोल्हापुर स्कूल ऑफ एक्टिंग का भी योगदान है और साथ में हमारे दिलजीत जी क्रिएटिव ऑडियो वीडियो के इंचार्ज, इन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया। मैडम नीचा भाई जिन्होंने आश्वासन तो नहीं दिया पर कहते हैं कि हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करेंगे, आगे कुछ सोचेंगे, सोचेंगे और हमारे कुछ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। थैंक्स। अमित जी मैं एक बार कहना चाहूंगा कि कल तुम DC बन के सामने भूल ना जाए। थैंक्स। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, आई एम समन एंड आई एम फ्रॉम पठानकोट। एक्चुअली मैं यहाँ पर आई थी एक्टिंग सीखने और मैं फर्स्ट डे आज भी नहीं कर सकते, मुझे पता नहीं था कि हाउ टू एक्ट, बट आज आप देख रहे हो कि मेरे में इतनी है कि मैं कर सकती हूँ कुछ। ये सब निखिल सर की वजह से है एंड थैंक्स निखिल सर एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप यहाँ पर आए और हमारे लिए थोड़ा टाइम निकाला। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम प्रीति है जी। मैं एक्चुअली पहले भी करती रही हूँ काफ़ी शोज वगैरह, पर जब मैं यहाँ पे इस वर्कशॉप में आई तो मैंने सर से पहले सिर्फ देखने के लिए आई थी, पर जब मैंने सर को सुना उन्होंने कुछ इतनी अच्छी बातें बताई कि मुझे हुआ कि नहीं मैं ये वर्कशॉप 21 डेज की नहीं होनी चाहिए, पूरे साल की होनी चाहिए ताकि हम कुछ कुछ सीखते रहे। खैर सर ने डांटा भी बहुत खास थी, मुझे तो बहुत ही डांटा, मुझे तो सबसे ज़्यादा डांट पड़ी कि तुम सीरियस नहीं होती, तुम ये नहीं, तुम वो नहीं। खैर उस डांट में भी एक प्यार था। आज हमने जो भी कुछ किया इतना अच्छा, जो आप कह रहे हो, आप तारीफ कर रहे हो कि प्ले बहुत अच्छा किया, वो सब सर के सर पे है। सर ने इतनी मेहनत की, मैं सुबह से कल से देख रही हूँ सर कभी ये कर रहे हैं कभी वो कर रहे हैं। सर ने हमें नहीं कहा कि आप मेरी हेल्प करो, सर ने कहा कि मैं अपना काम खुद करूँगा। और सर थैंक्स, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया। सर प्लीज चाहती बार एक बात और कि मुझे डांट के जरूर जाना, मुझे रात का रोटी हजम नहीं होगी। थैंक यू। Hello, good morning everybody. First of all, I would like to thank all the audience who have given us their valuable time. And I am a student of an engineering college. And I really feel proud that I have got a good teacher from whom I can learn. I have not even seen a teacher when I studied. So good teacher I have never found. पुतले बनाने वाले आपने देखे होंगे, पुतले में जान डालने वाला मैंने एक ही देखा, वो निखिल सर है। ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज संदीप चथा एंड आई एम रेजिडेंट ऑफ अमृतसर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑफ कोर्स मैडम पद्मनी कोल्हापुरी जिन्होंने यहाँ पे आकर अपनी वर्कशॉप का प्लान करा, एंड सेकंड वेरी बिग थैंक्स टू मैडम रिचा जी जिन्होंने अपना पूरा सहयोग हमें दिया, एंड थर्ड थैंक्स लास्ट बट नॉट लीस्ट टू निखिल सर जिन्होंने, मेरे दोस्त ने बताया कि पुतलों में भी जान डाल दी। एंड उसके बाद थैंक्स टू मिस्टर भट्टी एंड बलजीत जी जिन्होंने इनके साथ कोऑर्डिनेशन करके इस वर्कशॉप को रखा और हम लोगों को एक मौका दिया कि हम अपने आप को उभार सकें, सामने रह सकें आपके। वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, सब ठीक ठाक हो ना? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं सिवान में डॉक्टर हूँ। अच्छा, मेरा नाम अमित धवन है और मैं हिंदू कॉलेज में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट हूँ और हमारे अंदर जान, जो कि मेरे फ्रेंड्स कह रहे हैं कि हमारे अंदर जान डालने वाले निखिल सर ही हैं। हम तो कुत्तों की तरह ही थे, हमारे अंदर कुछ भी नहीं था, हमारा टैलेंट निकालने वाला ये है, सब कुछ निखिल सर ही हैं हमारे। और हमारे फ्रेंड्स जो कि हमने सबने इसका किया है, सबका सारा क्रेडिट निखिल सर और रिचा भाई मैम को जाता है। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम वरिंदर सिंह है ते मैं अमृतसर का रहने वाला। मैं तुम सारे नु सत श्री अकाल कहना है यार, जो भी कुछ तुसी इत्थे देखिया ए प्रति इत्थे कुछ भी नहीं कर सारे, जे असीं कुछ कीता ते ये सारा कुछ करवाया गया सिर्फ निखिल सर दी वजह ने होया। उसके बाद मैं धन्यवाद कहना चाहुंदा इन्हां नु क्योंकि निखिल सर ना मिलाने वाले सानू ये है। उसके बाद मैडम रिचा भाई जी, थैंक यू। थैंक
मैं डायलॉग इस तरह नहीं बोलना, पहला कोई गिफ्ट गुफ्ट दो फिर बोलूंगा। हेलो एवरीबॉडी, गाना सुनाओ। मेरा नाम कार्तिक सेठ है और मैं जब यहाँ आया था मेरे को कुछ नहीं आता था, मेरे को भी लगता था कि मैं सीख पाऊंगा, पर निखिल सर की वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। और ऋचा भाई मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और बाकी जी सजीत से जिन्होंने बहुत सहयोग किया हमारा, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। थैंक यू एवरीबॉडी। Hello everybody, my name is Jagron Singh, I am from here. मैं जो कुछ भी हूँ आज वो मैं अपने सर की वजह से हूँ। I am very thankful for my sir and पद्मनी कोल्हापुरी स्कूल ऑफ मेम्बर जितने भी हम थे, थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, आई एम संजना, और कुछ कारणों की वजह से मैं ये वर्कशॉप को अटेंड नहीं कर सकी, लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल टू निखिल जी कि उन्होंने मुझे फिर भी चांस दिया, और मैं नेक्स्ट वर्कशॉप ज़रूर लगाऊंगी, और चाहूँगी कि आप लोग भी जो एक्टिंग करना चाहते हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो ये वर्कशॉप ज़रूर लगाएँ। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं चंद्रभान उर्फ चाहत बनारस से। हटाइए मत प्लीज। मैं एक्टिंग सीखने, वैसे तो मैं यहाँ जॉब करता हूँ, फिर भी मैं एक्टिंग सीखने मुझे बहुत शौक है। मैं एक अच्छा एक्टर बनना चाहता हूँ, ऐसा एक्टर कि जो हमें आज मैं परिचय आप लोगों को दे रहा हूँ, मैं ऐसा एक्टर बनना चाहता हूँ कि जो आप लोग मुझे जाने, मुझे परिचय देने की कोई ज़रूरत ना हो। और मैं अपने निखिल सर जी के बारे में क्या बताऊँ, उनकी तो सब बातें ही अलग है, पर उनकी जो बोली है ना इतनी मीठी है, शायद उतनी मीठी इंडियन मिठाई की ना हो। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम संदीप सिंह वारिया और मैं रोपड़ का रहने वाला हूँ। आपको ये जानते बड़ी हैरानगी होगी कि मैं आज तक अपने घर वाल सामने कभी कपड़े नहीं पहने, बल्कि मैंने आज तक कभी किसी सामने कपड़े नहीं पहने, लेकिन आज निखिल सर की वजह से आज मैंने पूरे ऑडियंस के सामने अपने कपड़े उतारे हैं। इतना जोश रख दिया मैंने मेरे अंदर, थैंक यू। मेरा नाम नरेश सिंगला है, मैं अम्बाला से आया हूँ। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल कर हम जैसे छोटे कलाकारों को देखने का वक्त निकाला। उसके बाद मैं निखिल सर का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इस कोरे कागज के ऊपर इतनी लंबी कहानी लिख दी, जो कि और ही लंबी लंबी होती जाएगी और इतनी लंबी होगी कि आप उसको पढ़ भी नहीं सकेंगे। उसके बाद मैं ऋचा भाई मैडम का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने ये वर्कशॉप लगाई, हम जैसे उभरते हुए कलाकारों को आगे जाने का मौका दिया। अगर आप लोगों का यूं ही प्यार मिलता रहा, मैडम का प्यार यूं ही मिलता रहा, मैडम का सहारा मिलता रहा, तो हम इतने बड़े कलाकार मिलेंगे कि आपको बनेंगे कि आपको हमारा परिचय अपने आप ही मिल जाएगा। धन्यवाद आप सभी को। पहले मैं पंजाबी में सत श्री अकाल जी। सबसे पहले मैं पद्मिनी मैम जी का, ऋचा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया अमृतसर में इतने टैलेंटेड बच्चों के साथ काम करने का। फिर भट्टी साहब, दलजीत जी और हमारे रमन साहब जिनका ये होटल है, स्पेस दिया बच्चों को काम करने के लिए, थैंक यू, थैंक्स। और मैं रमन जी प्लीज़ स्टेज पे आ जाइए, जहाँ भी हैं मैं गुजारिश करूँगा रमन जी से तो स्टेज पर आ जाए। और दोस्तों अपने बारे में कुछ बताना नहीं चाहूँगा, बच्चों ने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। मैं एक्टिंग सिखाया नहीं जाती है, एक्टिंग कभी नहीं सिखाई जाती, मैं सिखाता भी नहीं। इनके अंदर तो टैलेंट छुपा हुआ था, मैंने उसको बाहर निकाला है, एक तरीका बताया है कि किस तरह बाहर निकाल सकते हैं। हर आदमी एक्टिंग कर सकता है, हर में टैलेंट छुपा होता है, सिर्फ एक मार्गदर्शक होना चाहिए। मैं एक मार्गदर्शक हूँ, मैं इंस्ट्रक्टर, मैं टीचर नहीं। दोस्तों आप आज आपने जो भी देखा इनका परफॉर्मेंस, इनकी वो सब इनकी मेहनत के बदौलत है,
मेरा कुछ नहीं है, और यहाँ तक मुझे लाने के पीछे इनका हाथ है। और दोस्तों कहते हैं लोग, और ऐसा है नहीं कि हर कामयाब यहाँ तक के कामयाब आदमी के पीछे का हाथ होता है स्त्री का, वाकई मेरे पीछे भी मेरी फियांसी का हाथ है। निखिल से निखिल राज बनाने वाले वही है। दोस्तों वाकई पद्मिनी जी ने एक वर्कशॉप जो लगाई यहाँ पे है, चंडीगढ़ में लगाई है और भी देहरादून में हर जगह लगाती है, ये वाकई जो टैलेंट छुपे हुए हैं जो हमारे देश में, जो अलग अलग जगहों पे जो बच्चे बैठे हुए हैं जो और भी टैलेंट है, उनको मौका नहीं मिलता, कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता। ये सामने आए, मैंने वर्कशॉप लगाने शुरू किए, बच्चों को उभारना शुरू किया, ये बहुत ही अच्छा काम है। और थैंक यू पद्मिनी जी, जहाँ भी उनको मैं थैंक यू बोल रहा हूँ, आपको खास कर थैंक यू कि ऐसे टैलेंट्स को आप सामने ला रही हैं, दर्शकों को दिखा रही हैं। बाकी बोलना मेरे लिए शायद मैं बोल ना पाऊँ, काफ़ी इमोशनल हो गया उनके बातें सुनकर इनकी। थैंक यू, और प्लीज़ नेक्स्ट जब भी हो ऐसे एक्टिविटीज प्लेस हो, आप आइए, समझिए क्या कहना चाहते हैं ये अपने प्ले के थ्रू और अपने एक्टिंग से, इनको मौका दीजिए समझने का। धन्यवाद, थैंक यू सब। रमन जी सब आ रहे हैं, दो चार नीचे हो जाओ।